सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोज के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माई चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों, आजकल जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो टीचर्स को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिनमें से मेन प्रॉब्लम है ड्यूरिंग स्क्रीन शेयरिंग मार्किंग। जब टीचर स्क्रीन शेयर करते हैं तो कुछ स्टूडेंट मार्किंग स्टार्ट कर देते हैं और टीचर को पता नहीं चलता कि ये मार्किंग कौन कर रहा है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को टू मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड है कि आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दो। जब आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दोगे तो कोई भी स्टूडेंट कुछ भी शेयर नहीं कर सकता। एंड सेकंड मेथड के थ्रू आप ये भी पता लगा सकते हो कि कौन सा स्टूडेंट मार्किंग कर रहा है। ये सभी सेटिंग जानने के लिए बने रहिए मेरी वीडियो के एंड तक। दोस्तों, पहले हम देखें कि अगर टीचर लैपटॉप से क्लास ले रहा है और कोई मार्किंग कर रहा है स्टूडेंट, तो उस टीचर ने कैसे पकड़ना है। और बाद में देखें कि अगर टीचर मोबाइल से क्लास ले रहा है और कैसे पकड़ना है कि कौन मार्किंग कर रहा है बोर्ड पे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे पीछे बैकग्राउंड है ये मैंने मैनुअली सेट किया, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ कि आपने बैकग्राउंड को कैसे सेट करना है। आप क्लासरूम को भी सेट कर सकते हो, आप ऑफिस को भी सेट कर सकते हो। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि लैपटॉप में शेयरिंग की सेटिंग कैसे करनी है। जो यहाँ पे शेयरिंग का आइकॉन शो हो रहा है, इसके साथ में एरो है, यहाँ पे क्लिक करना है, एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट करना है वन पार्टिसिपेंट एक ही टाइम पे शेयर कर सकता है या मल्टीपल पार्टिसिपेंट यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हु कैन शेयर, ओनली होस्ट ऑल पार्टिसिपेंट। दोस्तों, जैसे ही टीचर यहाँ पे शेयरिंग स्टार्ट करता है, स्टूडेंट्स के पास भी ऐसी शेयरिंग चल रही है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, और टीचर को पता नहीं चलता कि ये भाई कौन कर रहा है कि, और कई बार क्या होता है कि टीचर को इसकी वजह से क्लास छोड़नी पड़ती है। अगर टीचर पहले रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि कोई नहीं शेयर कर सकता, फिर तो ठीक है। ठीक है, अगर टीचर पकड़ना चाहता है कि भाई ये कौन कर रहा है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीचर ने क्या करना है। तो दोस्तों, टीचर ने यहाँ क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी मोर की। मोर की ऑप्शन के बाद यहाँ पे शो नेम ऑफ एनोनेटर, यहाँ पे क्लिक करना है टीचर ने, और अभी जो भी स्क्रीन पे है वो सारा इरेज कर देना है। जो भी स्क्रीन पे है एक बार और क्लियर ऑल ड्राइंग्स कर देनी है। ठीक है, अभी जो भी कोई यहाँ पे मार्किंग करेगा, जैसे क्लास में रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 2 है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मार्किंग करेगा उसका नेम आ जाएगा। यहाँ पे मार्किंग स्टार्ट कर दिए और यहाँ पे नेम आ गया है रोल नंबर 1। मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नेम आ गया रोल नंबर 1। दोस्तों, यहाँ पे आ गया रोल नंबर 2। तो ऐसे टीचर को पता चल जाएगा कि ये कौन कर रहा है। दोस्तों, अभी हम देखें कि अगर टीचर मोबाइल से मीटिंग ले रहा है और मोबाइल से टीचर ने कैसे पकड़ना कि कौन स्टूडेंट मार्किंग कर रहा है। दोस्तों, जैसे टीचर मोबाइल से मीटिंग करता है ना, उसकी क्लास में अप 200 पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, लेकिन इस क्लास में सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट है, रोल नंबर 3 एंड रोल नंबर 4। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पीसी में बताया था कि अगर टीचर स्टार्टिंग में ही शेयरिंग रोकना चाहता है, स्टॉप करना चाहता है, तो उसने मीटिंग सेटिंग पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ से टीचर ने स्क्रीन शेयरिंग ऐसे ऑफ कर देना है, तो अभी कोई भी स्टूडेंट स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर सकेगा। अगर टीचर जानना चाहता है कि भाई मीटिंग में डिस्टर्बेंस कौन कर रहा है, ठीक है, तो टीचर ने शेयर स्क्रीन को ऑन रखना है और शेयरिंग अपनी स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही टीचर शेयरिंग स्टार्ट करता है, कुछ वो डॉक्यूमेंट कुछ भी शेयर करता है, लाइक एनीथिंग। अभी दोस्तों, टीचर एंड से जो शेयरिंग है वो स्टार्ट हो गई है, टीचर अपना काम कर रहा है। तो उसके बाद क्या करते हैं, स्टूडेंट अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अपना काम मीन्स वो शेयरिंग में इंटरप्शन डाल देते हैं, वो शेयरिंग में इंटरप्शन डालते हैं, वो पेन ऑन करते हैं और जैसे यहाँ पे कुछ भी वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, अगर टीचर ने जानना है कि ये कौन डिस्टर्बेंस कर रहा है, कौन मार्किंग कर रहा है क्लास में, तो ये ऑप्शन अभी शेयरिंग के बाद ही आएगी। शेयरिंग स्टार्ट करने के बाद टीचर ने यहाँ मोर पे क्लिक करना है और मीटिंग सेटिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कंटेंट शेयर है ना एनोनिट्स, अगर इसे ऑफ कर देगा टीचर, तो कोई मार्किंग नहीं कर पाएगा। अगर टीचर चाहता है कि हमें मुझे पता चले कि भाई कौन कर रहा है डिस्टर्बेंस, टीचर ने यहाँ शो नेम्स ऑफ एनोनिटर को ऑन करना है, ठीक है, उसके बाद बैक आ जाना है। अभी जैसे टीचर यहाँ से क्लियर कर देगा, अभी जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मार्किंग करेगा उसका यहाँ पे नेम आएगा। जैसे अभी फिर से स्टूडेंट ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया रोल नंबर 4, ठीक है,
और उसी समय स्क्रीन पे आ जाएगा कि ये भाई रोल नंबर 4 कर रहा है। तो ऐसे टीचर है इसे कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों अगर आपको जूम ऑपरेट करने के रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।